पटना सिटी हर साल मानसून के दौरान पटना के लोगों का जलजमाव का सामना करना नियति बन गया है, लेकिन इस बार सरकार की पूरी कोशिश है कि राजधानी वासियों को जलजमाव का सामना ना करना पड़े। पटना में जलजमाव ना हो इसके लिए खुद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने जिम्मेदारी संभाल ली। गुरुवार सुबह से ही राजधानी पटना के तमाम सम्प हाउसों की मौजूदा स्थिति का जायजा ले रहे हैं और पानी निकासी को लेकर जरूरी दिशा निर्देश देते नजर आए। उनके साथ बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन, मेयर सीता साहू भी नजर आई। अब डिप्टी सीएम शहर को जलजमाव से कितना मुक्त रख पाते हैं या आने वाला समय ही बताएगा। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद गुरुवार को सबसे पहले जीरो माइल स्थित पहाड़ी सम्प हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने पानी निकासी को लेकर यहां की व्यवस्था का निरीक्षण किया और वास्तु स्थिति की जानकारी ली। इसके बाद डिप्टी सीएम सीधे सैदपुर पहुंचे और वहां के सम्प हाउस और नालों का निरीक्षण किया। इस मौके पर संबंधित अधिकारियों के साथ बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन, मेयर सीता साहू मौजूद रही। बताते चले कि बीते वर्ष की अपेक्षा राजधानी पटना में एक बार फिर जलजमाव की स्थिति उत्पन्न न हो, जिसको लेकर सरकार द्वारा लगातार बैठकें की जा रही हैं। कि नालों की उराही को सुनिश्चित करने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाए जा सकते थे हम सब उन्हें उठाने का प्रयास किया। हमारे साथ पटना के विधायक एवं माननीय मंत्री श्री नितिन नवीन जी, श्री अरुण कुमार सिन्हा जी, श्री संजीव चौरसिया जी और हम सबों के नेता श्री नंद किशोर यादव जी, हमारे माननीय सांसद श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री रामकृपाल यादव जी, श्री सुशील कुमार मोदी जी, श्री विवेक कुमार जी, ऐसे तमाम लोगों के सलाह और सहयोग से कई जो अस्थाई और आवश्यक कदम उठाना है उसको हम सब उठाएंगे। अभी जो पुराना हमारा नेटवर्क है कि जल की निकासी कैसे हो रही है, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम का क्या हालात है और सीवरेज नेटवर्क पर भी हम सबों को काम करना है, और जो बालशाही नाला है वो अभी जल संसाधन विभाग के जिम्मे है, उसको अब अपने अधीन लेकर उसको और बेहतर बनाकर जल निकासी को एक बेहतर स्वरूप देंगे। पटना के सर कई जगहों पर सर अभी भी रोड थोड़े से गड्ढे हैं जिस कारण से नहीं देखिए वो जो काम चल रहा है उसके लिए हम सबों ने प्रयास किया था कि वर्षा प्रारंभ होने तक में वो सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाए, लेकिन थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। लेकिन इधर लगातार मैंने अधिकारियों को चेतावनी भी दी है कि अभी भी कुछ नहीं बीता है, आप अविलंब जो सीवरेज का जो पाइपलाइन बिछा जा रहा है या जल आपूर्ति के लिए जो पाइपलाइन बिछा जा रहा है उसको जल्द से जल्द रिस्टोर करें। उसमें आरसीडी को भी सड़कों का रिस्टोरेशन करना है, तो आरसीडी के अधिकारियों को और खास करके नितिन जुजवा के मंत्री हैं वो भी इस मामले को सीधे देख रहे हैं। सर आखिरी सवाल ये है सर, लो लाइन एरिया सर बाईपास के उस तरफ के इलाके को कहा जाता है रामकृष्ण नगर, उन जगहों पर सर सबसे ज़्यादा जलजमाव की स्थिति है, सड़कें सर नहीं बनी है, थाना के पास भी अगर लोग जाते हैं तो उन जगहों पर अभी तक रोड नहीं है, पानी इन्हीं सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं और वर्षा के बाद ये सारी चीज़ों पर काम होगा। अभी तो हमारी प्राथमिकता है कि वर्षा के कारण जो स्ट्रॉन्ग वाटर है उसका कैसे हम जल्द से जल्द उसको पंप आउट करें, उसको आउटफॉल करें सर, और इसके बाद वर्षा के बाद हम सब अभी इधर के जो वर्षा काल का जो कुछ महीने हैं उसमें उन सारे चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं जो वर्षा के बाद उन चीज़ों को। कितने घंटे में सर पानी निकालने का सर इस बार? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।